नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 10 नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। अफगानिस्तान के हिंसाग्रस्त कंधार में जारी खून संघर्ष के बीच एक भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की कवरेज के दौरान हत्या कर दी गई। वह कंधार में अफगान सुरक्षा बलों के साथ वहां के हालातों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। लखनऊ के इटौंजा थाना इलाके में कुम्हरावा रोड पर एक लोडेड ट्रक ओमनी वैन पर पलट गई। हादसे के वक्त वैन में 5 लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में एक बच्चे की भी मौत हो गई है। सुल्तानपुर में थाना कोतवाली नगर के दीप नगर मोहल्ले में अध्यापक के घर पर असलहे के दम पर लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लुटेरों के पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल समेत तमंचा और टीवी भी बरामद की है। अमेठी में थाना गौरीगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बदमाश को धर दबोचा है। वहीं बदमाश के पास से पुलिस ने 3 तमंचों के साथ ही 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। अमेठी के कोतवाली क्षेत्र में 9 जुलाई को नाबालिग को अगवा कर उसके साथ लगातार 5 दिनों तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि नाबालिग लड़की किसी तरह से वहां भाग निकली थी और अपने घर पहुंचकर अपने परिजनों को सारी बात बताई थी। अमेठी में थाना अमेठी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक नाबालिग को 5 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी रवि को गांधी चौक के पास से गिरफ्तार किया है। रामपुर में सिविल लाइन्स इलाके में बाइक सवार 3 लोगों को एक टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। चंदौली में सदर कोतवाली के फगोइया गांव में मिनी बैंक लूटने की फिराक में बदमाशों ने कर्मचारी को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।